औखी कड़ी न देखण देई अपना बिरद संभाले हाथ दे राखे अपने को सास सास प्रित पाले। ले बेटे चाय पी ले। हाँ मां रख दो, मैं पी लूंगा। रख दो क्या, इसे पीना ही पड़ेगा, तीसरी बार गर्म करके लाई हूँ। ऑफिस से आने के बाद घर को भी ऑफिस ही बना देता है। क्या करूँ माँ, कुछ काम ही ऐसा है। तेरा बेटा एक इनकम टैक्स ऑफिसर है, कोई क्लर्क नहीं कि ऑफिस बंद और काम खत्म। माँ तू तो जानती है कि मैं जब भी कहीं छापा मारने जाता हूँ तो पूरी तैयारी के साथ। दरअसल आराम की जरूरत मुझे नहीं, तुझे है माँ। जानती हूँ तू ऐसे क्यों कहता है, मैं बूढ़ी हो गई हूँ ना। अरे बेटे माँ कितनी भी बूढ़ी हो जाए मगर उसकी ममता कभी बूढ़ी नहीं होती, और तू भी तो एक जवान बेटे का बाप है, तुझे तो उसकी कितनी चिंता लगी रहती। ऐसा लगता है जैसे वो दूध पीता बच्चा हो। अरे हाँ माँ, उसके इम्तिहान की तैयारी कैसी चल रही है? नरेश के साथ गया है, दिल लगा के पढ़ता है। देखना माँ वो जरूर फर्स्ट आएगा। ऑपरेटर ऑपरेटर ऑपरेटर
लिख दो मेरी बात करा दो, दर्द मेरे दिल का जरा तुम मिटा दो। 8543832 ऑपरेटर 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 ऑपरेटर। हेलो हेलो, कट गया कनेक्शन, पता बताओ। वहीं पे हम मिलेंगे जहाँ भी तुम चाहो। डिस्को की रात होगी, वही मुलाकात होगी, तन से तन मिल जाएंगे, फिर वही बात होगी, तन से तन मिल जाएंगे, फिर वही बात होगी। आई डोंट ट्रस्ट यू, मतलब मेरा बुरा नहीं, प्यार कोई गुना नहीं, अच्छा तो मिलेंगे वहीं, हाँ अच्छा तो मिलेंगे। विकी, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, आप अभी तक सोई नहीं? तू सोने की बात कर रहा है जबकि तू जानता है तेरे बिना हम खाना भी नहीं खाते। क्या उसका मतलब डैडी ने भी? हाँ हाँ बेटे। माँ जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। आई एम सॉरी डैड, मेरी वजह से आपको इंतजार करना पड़ा। अरे नहीं बेटा, तो क्या हो गया? तू पढ़ने ही तो गया था, सैर सपाटे के लिए तो नहीं गया था ना? हाँ चल खाना खा ले। मिस्टर राजकुमार चौहान, ये सारा कीमती सामान जो आप मेरे बंगले में देख रहे हैं ना, इस सारे सामान को मुंह मांगी रकम देकर खरीद लिया गया था। जानते हैं क्यों? सिर्फ इसलिए कि ये सामान मुझे पहले ही नजर में भाग गया था। और खुशी की बात तो ये है, आप भी मुझे पहली नजर में भाग गए। मिस्टर अग्रवाल, लगता है आपने मेरे बारे में सुना ही नहीं। ये मैं नहीं, आप जैसे काला बाजारी करने वाले लोग कहते हैं कि दुनिया में ईमान बिक सकता है लेकिन चौहान नहीं। आदमी बहुत दिलचस्प हो, बहुत अच्छा लतीफा बोलते हो, वेरी गुड, आई लाइक इट। जितना जी चाहे हंस लें, क्योंकि फुटपाथ पर आने के बाद हंसने का मौका नहीं मिलेगा। वैसे भी फुटपाथ पर हंसने वाले को दुनिया पागल समझती है। चौहान, मिस्टर चौहान, तुम अपने आप को समझते क्या हो? क्या समझते तुम अपने आप को? जिस खेत की तुम मूली हो ना, उस खेत का मालिक मैं हूं। जब चाहूं तो मैं उखाड़ कर फेंक सकता हूं, एक चुटकी बजाकर तुम्हारा ट्रांसफर करवा सकता हूं, सिर्फ एक टेलीफोन करने की जरूरत है। बोलिए कौन सा नंबर लगाऊं? बताइए नंबर, किस मिनिस्टर से बात करनी है आपको, बोलिए। अग्रवाल साहब, मैं एक सरकारी अफसर हूं, लावारिस कुत्ता नहीं जिसे कोई भी रोटी का टुकड़ा डाल दे, समझे आप? और एक बात और, मेरा ट्रांसफर जब भी हुआ है अपनी मर्जी से हुआ है, किसी के इशारों से नहीं, समझे? सर, सारे पेपर्स तैयार हैं, सोने और रुपए की लिस्ट बना ली गई है। वेरी गुड, सब कुछ सील कर दो।
सर आप जो मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं उसका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप तो जानते हैं सर कि इस मुबारकबाद का अकेला अक्तर मैं नहीं, मेरा पूरा डिपार्टमेंट है जी। नहीं नहीं, आई एम रियली प्राउड ऑफ माय बॉयज रियली। यस सर। हाँ जी। अरे ओके चला। दादी माँ ये इतने सारे फूल। ओके सर, बाय बाय। तेरे पिता ने छापा मारकर काला धन पकड़ा है ना, उसकी बधाई देने के लिए लोगों ने फूल भेजे। वाह डैडी, कांग्रेचुलेशन, यू आर ग्रेट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बाय द वे तेरा आज का पेपर कैसा रहा बेटा? जी अच्छा रहा। गुड गुड। रोल नंबर क्या है तेरा? जी 1062। लेकिन अब रोल नंबर का क्या करोगे भाई? हर साल तुम्हारे पास होने की खुशखबरी तुम मुझे सुनाते हो हैं, इस साल तेरे फर्स्ट आने की खुशखबरी मैं तुझे सुनाना चाहता हूं। व्हाट डिड यू से रोल नंबर वाज? 1062। हां हाँ 1062। ये बात हुई। देखा मां, मैं कहता था ना कि हमारा विकी फर्स्ट आएगा। हुँ? ये देखो। हाँ, अब ये खुशखबरी मैं विकी को सुनाऊंगा। विकी, विकी। जी डैड। हे वेल डन। साहब। क्या बात है राम सिंह? साहब आज मेरे बेटे की परीक्षा का नतीजा निकलने वाला है, आपके पास पेपर आता ही है, इसमें देखकर बताइए मेरा बेटा पास हुआ है या नहीं। क्या नंबर है तुम्हारा बेटा? 1062 सर। 10 व्हाट? ये नंबर तुम्हारा कैसे हो सकता है? ये मेरा ही नंबर है सर, ये देखिए मेरा एडमिट कार्ड। मुबारक हो राम सिंह, तुम्हारा बेटा फर्स्ट आया है। सच साहब? बिल्कुल सच। तुम बहुत खुश नसीब हो राम सिंह जो तुम्हें यह सच सुनना नसीब हुआ है। हाँ। ये लो बेटा। नहीं नहीं। रख लो बेटा, मेरी तरफ से पास होने की खुशी में मिठाई खा लेना। थैंक यू सर। नमस्कार साहब। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? बोलो क्यों कहा झूठ? राज, ये क्या कर रहा है? अरे अरे अच्छा मां, अपने बाप से झूठ बोला इसने, राम सिंह के बेटे का नंबर देकर मुझे धोखा दिया है। हट जा, हट जा, हट जा, झूठ बोला मुझसे। राज क्यों बोला झूठ तूने? अरे बोलता क्यों? बोल। जान लेगा, जान ले लेगा, तू पागल हो गया है। हाँ हाँ मां, मैं पागल हो गया हूँ। क्या कमी है इसे, क्या कसर छोड़ी इसकी पढ़ाई लिखाई में हमने? अरे अपने बाप से झूठ बोलता है, बेईमानी करता है। शेमफुल, शेमफुल। बहुत दर्द हो रहा है ना? उतना नहीं जितना डैडी को हुआ। जब तुझे इतनी समझ है तो फिर ऐसे हरकतें क्यों करता है? राज को तेरा फेल होना बुरा नहीं लगा, उसे दुख इस बात का हुआ कि तूने उसे झूठ बोला, उसे धोखा दिया। तू क्या जाने वो तुझसे कितना प्यार करता है। तेरी मां के मरने के बाद उसने दूसरी शादी तक न की, न जाने तेरी सौतेली मां तेरे साथ कैसा बर्ताव करे। उसने तुझे मां की तरह पाला है, क्या तेरा कोई फर्ज नहीं बनता अपने इस देवता समान बाप को कोई खुशी दे?
देखिए चोट लगी। डैड, I'm sorry, डैड। मैंने आपको बहुत दुख दिया है। मैं वादा करता हूँ, इस बार यूनिवर्सिटी में टॉप करके दिखाऊंगा। मैं वादा करता हूँ, डैड। हाँ बेटा, मुझे विश्वास है कि ये वादा तुम जरूर पूरा करोगे, जरूर करोगे। हाँ डैड, बस आप मुझे एक मौका और दीजिए, मुझे यहां से दूर ले जाइए। यहां का माहौल मुझे अपनी तरफ खींच लेता है। मैं यहां नहीं पढ़ सकता डैड, मैं यहां नहीं पढ़ सकता। ठीक है बेटा, बहुत लोगों ने कोशिश की लेकिन मैंने अपना ट्रांसफर नहीं होने दिया, लेकिन अब तेरे लिए मैं अपना ट्रांसफर खुद करवा लूंगा। हम बहुत जल्द ये शहर छोड़ देंगे बेटा। हाँ उप्स, ए यू इडियट, दिखाई नहीं देता क्या? Idiot. Mm-hmm. First time in my life. पहली बार मेरी जिंदगी में कोई मेरी कार का हॉर्न सुनकर नहीं हटा। पहली बार मेरी जिंदगी में किसी ने मुझे इडियट कहा। कौन है ये बदतमीज? क्या ये नहीं जानता मैं कौन हूँ? डाली, शायद कोई नया कबूतर है। वाओ मैन, नया कबूतर, इसकी रैगिंग बहुत जरूरी है। बिल्कुल। नया है? हाँ। नाम? विक्रम चौहान, उर्फ विकी। तू जानता है तूने कितनी बड़ी बड़ी गलतियां की है? क्लास का मुंह देखना नसीब नहीं होगा। आज ही एडमिशन मिली है ना? आज ही रस्टिकेट हो जाओगे। अगर तुझे इस कॉलेज में रहना है तो जैसा मैं कहूंगी वैसा ही करना पड़ेगा, समझे? ओके। ए, ज्यादा कहाँ है? अभी तुझे तेरी गलतियों की सजा मिली कहाँ है? सुन, तेरे लिए दो सजाएं हैं। वो मोटी लड़की दिखती है ना, जा उसे गले लगा ले। अरे सुन, दूसरी सजा तो सुनते जा। वो मोटा लड़का दिखता है ना, तुझे उसका कॉलर पकड़ कर उसे मारने की धमकी देनी है, समझा? जा। और सुन, अगर इन दोनों में से किसी ने भी तेरी धुलाई की तो इतना याद रखना कि तेरे इस मुंह पे कालिख पोत कर तुझे पूरे कॉलेज की सैर कराई जाए और फिर बड़ी ही इज्जत के साथ तुझे अपने क्लासरूम में बिठा दिया जाए, समझा? अब जा। Get lost. अब देखना। तुम्हारा भी जवाब नहीं डाली, क्या आइडिया है। लगता है आज ये पिटेगा। पिटेगा भी और मुंह पे कालिख भी पुतेगी। ये क्या बदतमीजी है स्टुपिड? बदतमीजी? बदतमीजी कैसी? एक छोटा भाई अपनी बड़ी बहन को गले नहीं लगा सकता? भाई, तुम मेरे भाई नहीं हो। ठहरिए ठहरिए, मैं आपको समझाता हूँ। मेरी एक बड़ी बहन थी बहन जी, वो बिल्कुल आपकी तरह लगती थी बहन जी। हाँ, मेरी तरह? वो अब इस दुनिया में नहीं है बहन जी। ओ नो। ओ यस, आपको देखकर मुझे उसकी याद आ गई बहन जी। अगर आपको बुरा लगा हो
तो इसी वक्त सैंडल उतारकर मारिए मुझे, मारिए मारिए बहन जी। नहीं 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 नहीं, आप मुझे मारिए। अरे कैसी बातें कर रहे हो, मैंने बिल्कुल बुरा नहीं माना, तुमने मुझे बहन कहा है ना, 10 बार गले लगा लो, नो प्रॉब्लम। डॉली वो तो उससे मुस्कुरा मुस्कुरा के बातें करने लगी यार। नाम क्या है तुम्हारा? जी मेरी बहन मुझे प्यार से विक्की बुलाती थी। विक्की, क्यूट नेम हाँ। न्यू एंट्री हो? अच्छा अच्छा दीदी, चलता हूँ। ठीक है, मिलते रहना हाँ। बाय बाय। सो क्यूट। मोटी से बच गया लेकिन मोटे से नहीं बच पाएगा। हेलो हेलो हेलो, हाउ आर यू? फाइन भाई साहब, ये कॉलेज बड़ा अजीब है। क्यों, क्या हुआ? मैंने अभी अभी एडमिशन ली है और मेरी किसी से जान पहचान भी नहीं हुई है। एक स्टूडेंट ने मेरा ऐसा कॉलर पकड़ा अच्छा? और मुझे ऐसा हाथ दिखाया। एक मिनट, एक। अरे भैया ये कॉलेज ही गुंडे और बदमाशों का है, अगर आपको यहाँ कोई धमकी दे तो उसके हाथ जोड़कर उसके पैर पकड़कर माफी मांग लेना। अरे मोटू ने तो उसके सामने हाथ जोड़ लिया और पैर भी पकड़ लिया यार। सांदी हाँ? ये कुछ चक्कर समझ में नहीं आ रहा। बाय द वे आपका नाम क्या है? कॉलेज में आई गए हो, मेरा नाम भी पता चल जाएगा। ये लो केला खाओ। थैंक्स। अरे मोटू तो उसे मारने की बजाय केला भी दे दिया खाने के लिए। क्या बोल रहा तू? लड़का काफी होशियार निकला, इसके साथ खेलने में बड़ा मजा आएगा। अब देखना मेरा अगला कदम। जितने इंटेलिजेंट हो तुम उतने हैंडसम भी। आपकी तारीफ? पहले तुम्हारी तारीफ तो पूरी हो जाने दो। आज कॉलेज में पहली बार उस घमंडी लड़की को तुमने जमीन की सैर करा दी है। बाय द वे मुझे नीलिमा कहते हैं। आई एम विकी, सिर्फ दोस्तों के लिए, वैसे विक्रम चौहान। बाय द वे वो लड़की कौन थी? मैं बताता हूँ, डॉली नाम है उसका, बहुत पैसे वाले बाप की बेटी है। उसका बाप इस कॉलेज का चेयरमैन है, बेटी को कॉलेज में हुकूमत करने का शौक है और बाप को नाम कमाने का। नाम कमाने के लिए और अखबारों में तस्वीर छपाने के लिए उसका बाप कुछ भी कर सकता है। मैं जब भी झोपड़पट्टियों में जाता हूँ वहां की गंदगी देखता हूँ, उन गरीब लोगों को देखता हूँ, मेरा दिल खून के आंसू रोता है, दिल तड़प उठता है। इसलिए मैं भगवान को दोष देता हूँ कि हे भगवान, ये सारे इंसान तो तेरे ही बनाए हुए हैं, फिर तूने किसी को अमीर और किसी को गरीब क्यों बनाया? ये आवाज किसकी? जी इनकी बेटी है। क्या है कि वो वीडियो पर उसको फिल्में देखने का बहुत शौक है, इसलिए लगता है अभी कोई मारधार से भरपूर कोई फिल्म देख रही होगी। जी एक आखिरी सवाल, जब आपके दिल में गरीबों के लिए इतनी हमदर्दी है तो आप चुनाव क्यों नहीं लड़ते? नहीं भाई नहीं, मैं कहा कुर्सी का, मैं ठहरा बिजनेसमैन। मेरी समझ में एक बात ये नहीं आती है कि लोग गरीबों की सेवा करने के लिए राजनीति का ही रास्ता क्यों अपनाते हैं? बोलिए क्यों करोड़ों रुपए का खर्चा करके प्रचार करते हैं हम गरीबों की सेवा करेंगे? सेवा तो कुर्सी के बगैर भी की जा सकती है, जैसे मैं कर रहा हूं। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव में खर्चा किए जाने वाला हर रुपया गरीबों की सेवा में लगा देना चाहिए। आज हमारे देश के अंदर लाखों इंसान ऐसे हैं जिनके पास तन ढकने के लिए कपड़े नहीं है, और हमारे देश के समाज सेवक लाखों मीटर कपड़ा सिर्फ उनके नाम के बैनर लगवाने के लिए बर्बाद करते हैं। Now what is this? This is a criminal wastage. अच्छा धनसुख जी, अब हम चलते हैं। हाय नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, आते रहना। हाँ भाई हाँ जी नमस्ते। बेवकूफ कहीं के, कहते हैं चुनाव क्यों नहीं लड़ते। अरे हमारे सरकार, क्या वो गंदी झोपड़पट्टियों में जाएंगे वोट की भीख मांगने? बेवकूफ वो नहीं है, बेवकूफ तुम हो। हाँ बोलो। उसने बात बिल्कुल पते की है, मैं ये सड़ी हुई झोपड़पट्टियों में क्यों जाता हूँ? ताकि अखबार के अंदर मेरी एक तस्वीर छपे,
तो उसका फायदा मैं चुनाव लड़कर क्यों ना लूं? जी मैं तो सोचता हूं गायतोंडे कि मैं शुरुआत एमएलए से करूं। एमएलए? मेरी नजर में एमएलए का सिर्फ एक ही मतलब है, एम माने माल, एल माने लाव, ए माने अंदर, माल लाव अंदर। वह सरकार कमाल कर दिया। ये लड़की सचमुच पागल है, जब देखो तब गुस्सा, जब देखो तब गुस्सा। मैं कहां कहां से कीमती बर्तन लाकर घर में रखता हूं, ये सारे बर्तन तोड़ देती है। इसके लिए तो दुआ भी नहीं कर सकता कि इसका पति इसको शीश महल में रखे। बहुत ही उसका लाड़ प्यार है, आज मैं उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर के लिए गुस्सा भूल जाएगी। कमीनी, क्या करती है? अच्छा किया, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, अच्छा किया, अच्छा किया जो तुमने सारे बर्तन तोड़ दिए। वैसे भी मैं ये पुराने बर्तनों को दो चार दिन में फेंकवा नहीं वाला था। नहीं, हाँ बोला था आपने। दादी आज मैं बहुत गुस्से में हूँ। गुस्सा आना ही चाहिए बेटा, अगर तुमको गुस्सा नहीं आएगा तो तुम धनसुख भाई धर्म सिंह के बेटे कैसे कहलाओगी? मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ना छोड़ना। मैं उसे दिन में तारे दिखाऊंगी। दिन में तारे दिखा देना। अपने को बहुत स्मार्ट समझता है। स्मार्ट समझता है? इडियट। इडियट। शक्ल देखिए उसकी, बंदर जैसी। मत कह रही हो बेटी, बिल्कुल बंदर जैसी है। लेकिन बेटे तुम किसकी बात कर रही हो? फिक्की की। उसने आज कॉलेज में सबके सामने मेरी इंसल्ट की है। इंसल्ट? मेरी बेटी की इंसल्ट? गायतोंडे, मैं यही हूं सरकार। ये क्या सुन रहा हूं? ये मैं क्या सुन रहा हूं? मेरी बेटी की इंसल्ट? जिस कॉलेज का मैं, ये कॉलेज में मैं क्या हूं? आप चेयरमैन हैं। चेयरमैन? जिस कॉलेज का मैं चेयरमैन हूं उस कॉलेज में मेरी बेटी की इंसल्ट? प्रिंसिपल को फोन लगाओ, उसको बोलो अगर तुमको प्रिंसिपल रहना है तो कॉलेज के अंदर जितने भी विकी नाम के लड़के हैं उन सबको निकाल दो। जिसको मेरे बेटे के बारे में नॉलेज नहीं उसके लिए कॉलेज नहीं। नहीं दादी, अगर आप उसे कॉलेज से निकाल देंगे तो मैं बदला किससे लूंगी? मुझे छेड़ने का अंजाम से कल पता लगेगा। चल चल अंदर हो, अंदर हो। जैसे ही विकी आज क्लास में कदम रखेगा उसका सर नारियल की तरह फट जाएगा और अपना काम हो जाएगा। अरे ये क्या डॉली कहां से आ रही? अरे अरे डॉली संभाल के। अरे संभाल के। एक्सक्यूज मी। थैंक्स। बेवकूफ लगती हूँ? हाँ? नहीं मैडम, आप लगती नहीं, आप बेवकूफ है। क्या मतलब? लो जी, खुद मतलब पूछ रही है। अरे खुद तो अपने पीठ पे अपना आइडेंटिफिकेशन लगा के घूम रही है। हाँ ये रॉन्ग था, मैं कह रही हूँ। क्या बात कर रही है तू? अरे मैं सही बता। अरे संभाल, नहीं सीढ़ी है इस कॉलेज में। देख ये लाइन जो थी ना इसका बराबर हिसाब किताब था। नहीं भैया तू नहीं समझ रहा। खामगा ए मूंगफली, चल हट। अपने आप को बड़ा शाना समझता है क्या? जानता नहीं हमको? चार छक्के? क्या रे, छक्का बोला हमको? मैंने तुम लोगों को छक्का नहीं बोला, मैं तो तुम्हारी गाड़ी का नंबर प्लेट पढ़ रहा था। दानी, दानी तुम्हारे लिए चैलेंज है। दिस इज अ चैलेंज फॉर यू। अगर तुमने ये कागज इसकी पीठ पे चिपका दिया तो ठीक, वरना मेरी नजरों में तुम वही रहोगे जो इसने तुम्हें अभी अभी कहा। यानी कि छक्का? ये ले। सर ये मुझे बेवकूफ बनाना चाहता है जबकि ये खुद बेवकूफ है। अरे बेवकूफ तू है, तू है, तू है, तू है, तू है, अबे तू है। खामोश, खामोश।
तुम दोनों को ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर मैं भी मौजूद हूँ। मेरा मतलब है शट अप। हाँ सुनो सैंडी, तुम्हारे खिलाफ ऑफिस में बहुत कंप्लेंट्स आ चुके हैं, तुम मेरे साथ इसी वक्त ऑफिस में चलो। कमान, यहाँ तो सबके सब बेवकूफ हैं। जी जी नहीं, मेरा मतलब है तुम्हारे सिवा बाकी सब बेवकूफ हैं। थैंक यू सर। अरे तुम चलो कमान। डॉली जी, बुआ जी, क्या बात है बुआ जी, इतनी रात हो गई आप सोई नहीं अभी तक? जिसकी जिंदगी में हमेशा अंधेरा हो उसके लिए रात और दिन में कोई फर्क नहीं होता, लेकिन तुम क्यों जाग रही हो? एक लड़की का ख्याल मुझे सोने नहीं दे रहा बुआ जी, मेरी क्लास में पढ़ता है। क्या बात है, आज तक तुमने कभी किसी लड़की के बारे में जिक्र नहीं किया, कहीं तुम? नहीं बुआ जी, मुझे तो उसकी शक्ल से ही नफरत है, इतनी अकड़ दिखाता है, वो अच्छी तरह जानता है कि मैं किसकी बेटी हूँ, फिर भी मेरे सामने सर नहीं झुकाता। अब तुम ही बता बुआ जी, मैं उसे कौन सी सजा दूं? उसे सजा नहीं बल्कि शाबाशी देनी चाहिए। हाँ हाँ डॉली, जो लोग तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाते हैं, तुम्हारे आगे सर झुकाते हैं, वो अच्छे दोस्त नहीं हो सकते हैं। ऐसे लोग हंसी में तो तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन जब तुम रोओगी तुम्हें अकेला ही रोना पड़ेगा। लेकिन जिस लड़की की बात तुम कर रही हो वो बहुत ही खुददार और जिद्दी मालूम होता है। ऐसा इंसान अगर दोस्त बन जाए तो बुरे वक्त में भी साथ दे सकता है। मेरा कौन सा बुरा वक्त आएगा बुआ जी? अरे शर्म तो विकी महसूस करेगा, जिस दिन कॉलेज में कदम रखेगा ना लोग थूकेंगे उस पर, अरे धक्के मार कर निकाल दिया जाएगा वो कॉलेज से, तुम देखना। बहुत देख लिया, अब प्लीज सैंडी मुझे बोर मत करो, ऐसी बुआ बहुत बोर कर चुकी है। अरे तुम आइडिया तो सुनो यार, तुमने दिल फिल्म तो देखी होगी ना, किस तरह से हीरोइन रेप का इल्जाम लगाकर हीरो को फंसाती है, बस उसी तरह तुम लेटर तो लिखो। डियर विकी, मैंने तुम्हें पहले ही दिन से गलत समझा और हमेशा ठेस पहुंचाने की कोशिश की, मैं अपनी हरकतों पर शर्मिंदा हूँ और तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ और अपने दिल की हर बात तुम्हारे सामने रखना चाहती हूँ, इसलिए नीचे लिखे हुए पते पर मिलो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, तुम्हारी डॉली। विकी, ये सब उसकी चाल लगती है, इसमें जरूर कोई गड़बड़ है। मैं जाऊंगा कंप्यूटर। तो मैं तेरे साथ चलूंगा। नहीं कंप्यूटर, मैं अकेले ही जाऊंगा। ये फंसेगा। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैंने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया बल्कि तुमने मुझे यहाँ बुलाया है। क्या? हाँ विक्की, तुम्हारे कहने पर मैं यहाँ आई ताकि तुम मेरा रेप कर सको। तुमने मुझे रेप करने की कोशिश की, मेरे कपड़े फाड़ डाले, रोई चिल्लाई, लेकिन तुमने मेरी यही ना सुनी। मैंने मिन्नतें भी की, मेरी आवाज सुन के मेरे फ्रेंड्स आए, उन्होंने तुम्हें मारा और तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दिए। अब आई बात समझ में, ये बयान दिया जाएगा पुलिस को और इसके बाद तुम्हें कॉलेज से धक्के मार मार कर निकाल दिया जाएगा। मिस्टर विक्रम चौहान, अपनी बेइज्जती का बदला ले रही हूं तुमसे। अपनी इज्जत गवाकर? डॉली अपने घर जाओ, वरना तुम्हारे बाप को एक इज्जतदार दामाद मिलना मुश्किल हो जाएगा।
जल्दी पुलिस को फोन करना। रिलैक्स डॉली, रिलैक्स। किस बात की जल्दी है तुम्हें? अभी तुम्हारा रेप हुआ कहाँ है? रेप? हाँ, मैं करूँगा ना तुम्हारा रेप। लेकिन दिल पिक्चर में तो ऐसा नहीं था। उस दिल में नहीं था, लेकिन इस दिल में तो था। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? हाँ, इस वक्त तुम्हारा रेप होना बहुत जरूरी है। कम ऑन, अरे सबूत के लिए रेप तो करना ही पड़ेगा ना। No. जल्दी से रेप हो जाने दो, मुझे और बहुत से काम करने। पुलिस बुलाना है, उनके साथ पुलिस स्टेशन जाना है। कम ऑन डॉली, कम ऑन। कॉलेज में नजर आया तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। Hate you. नफरत करता हूं मैं तुमसे। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं विक्की, सुनो तो, मैं विक्की, प्लीज फॉर वंस। हार्ट,
यानी कि दिल। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है दिल। अगर इंसान के जिस्म में दिल ना होता तो क्या होता? सर मैं बताऊं? हाँ बताओ बताओ। इंसान के शरीर में अगर दिल ना होता तो दिल दिया दर्द लिया, दिलदार, दिल एक मंदिर है और दिल है क्या मानता नहीं, ऐसी सुपरहिट पिक्चर नहीं बनती सर। शट अप बेवकूफ, यू सिट डाउन। मैं उस दिल की नहीं इस दिल की बात कर रहा हूं जिसके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। ये कैसे हो सकता है सर कि इंसान दिल के बगैर जिंदा नहीं रह सकता? मैं एक लड़की को अपना दिल दे चुका हूं फिर भी जिंदा हूं। क्या मजाक लगा रखा तुम लोगों ने, मैं प्रेम का पाठ नहीं पढ़ा रहा हूं। गुड्डी मैं स्टैंड अप, तुम बताओ तुम दिल के बारे में क्या जानती हो? दिल दिल ओ शिट, हाँ दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, जानू तो जानू बस इतना कि मैं तुझे अपना जानू रे। चुप। अया यहाँ नहीं जी, मेरा मतलब है यहाँ गाना नहीं, क्लासरूम में गाना नहीं। बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ विकी अब तुम बताओ दिल के क्या क्या फंक्शंस होते हैं? सर हमारे शरीर में दिल एक ऐसी मशीन है जो दिल के बारे में ये क्या बताएगा सर आपको, इसके सीने में तो दिल ही नहीं है। जो दिल नफरत छोड़कर अपने अंदर प्यार बसा लेता है वो दिल कितना मासूम होता है वो आप इससे नहीं मुझसे पूछिए। जब कोई दिल में आकर बस जाता है तो वो दिल कितना बेबस और मजबूर हो जाता है वो आप इससे नहीं मुझसे पूछिए। जब कोई दिल तोड़ देता है तो उस दिल पर क्या गुजरती है वो आप इससे नहीं मुझसे पूछिए, क्योंकि वो दिल मैं रखती हूं अपने सीने में। इस सीने में विकी अपने कॉलेज से स्टूडेंट का टूर बाहर जाने वाला है और उसमें मैं भी जा रही हूँ, तुम भी चलोगे ना मेरे साथ? विकी, विकी तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। हाँ जरूर चलूंगा। सर, हाँ? सर, हाँ? ये किला किसने बनवाया आपको मालूम होगा ना? ये किला ना? ओए स्टूपिड, तुझे पता नहीं सर जो है साइंस के प्रोफेसर हैं, हिस्ट्री के थोड़ी। करेक्ट करेक्ट, साइंस में ये नहीं आता, साइंस में किला आती है, किला नहीं आता। पर सर इतना तो मालूम होना चाहिए कि किला किसने बनवाया है। हाँ मालूम तो होना चाहिए, लेकिन आपको मालूम नहीं है, इट्स द मैटर ऑफ जनरल नॉलेज। गाइड चलो। ए वेलकम वेलकम, मैं राजू गाइड आप लोगों को इस किले का इतिहास बताऊंगा, सही सही शायद। आप ये बताइए राजू गाइड, इस किले को अकबर बादशाह ने बनाया था या शाहजहां ने? शाहजहां ने शायद, मगर इसकी बनावट देखकर लगता है कि पोर्टुगाली ने बनाया था। यू आर राइट मैडम, शाहजहां ने बनवाया था लेकिन पुर्तगाली आर्किटेक्ट की मदद से शायद। सर आप बताइए ये किला पुर्तगालियों ने बनाया या अंग्रेजों ने? मेरा ख्याल है फिर वही सवाल, मैंने कहा ना सर जो हैं साइंस के प्रोफेसर हैं, हिस्ट्री के नहीं, है ना? राइट बेबी राइट। दोस्तों अब राजू गाइड आपको किले के अंदर का इतिहास बताएगा शायद। शायद हाँ। चलो अंदर जी, मेरा मतलब सबके साथ अंदर चलो जी। अरे राजू गाइड तुमने गाइड फिल्म देखी थी? इतनी बार देखी है कि मैं खुद गाइड बनकर रह गया। अच्छा अच्छा। तुम, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता,
निकी प्लीज मेरी बात तो सुनो, मैं तुमसे माफी मांगने आई हूं। मैंने आज तक तुम्हारे साथ जो कुछ किया उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं। तुम और शर्मिंदगी, एक्टिंग कर रही हो क्या? जाओ अपने टेंट में, गेट आउट। विकी तुम मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? आखिर तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनना चाहते? मैं तुमसे प्यार करती हूँ विकी। इस तरह की मीठी मीठी बातें तुमने मुझे लेटर में भी लिखी थी। उस दिन क्या हुआ और आज भी तुम उसी नियत से यहाँ आई हो कि तुम मुझे जलील कर सको? मैं तुम्हारी हर चाल समझता हूँ। वो मेरा पागलपन था, मेरी भूल थी, लेकिन अब मैं होश में आ गई। तुम अभी भी होश में नहीं हो डॉली। और हाँ, ये वक्त किसी लड़के के साथ अकेले में बात करने का नहीं है। जाओ अपने कमरे में। लेकिन विकी मेरी बात, ये क्या हो रहा है? डॉली कम आउट, बाहर आओ, बाहर आओ। तुम विकी के टेंट में किस लिए गई थी? मैं बताता हूं सर, इस लड़की ने जिंदगी में नफरत करने के सिवाय और कुछ नहीं सीखा। आज अचानक इस लड़की को मोहब्बत का सबक याद हो गया। सर मुझसे कहने आए कि विकी आई लव यू। शट अप एवरीबॉडी, क्वाइट। डॉली जाओ अपने रूम में चली जाओ, जाओ। और तुम लोग भी जाओ अपने अपने रूम में, चलो मूव। चलो रूम में जी। मेरा मतलब है तुम भी अपने रूम में जाओ। यस गो। ये क्या किया तूने विकी? उस बिचारी का दिल तोड़ दिया, उसके प्यार का मजाक उड़ाया। अरे वो तो तुझसे सच में प्यार करने लगी थी, कितने अरमान लेकर आई थी तुझसे कहने के लिए। अब जाओ उसे माफी मांग। विकी विकी डॉली पानी में कूद गई। डॉली रुक जाओ। डॉली डॉली ये क्या पागलपन है? छोड़ दो मुझे। डॉली पागलपन, पागलपन तुम्हारे लिए होगा विकी, मेरे लिए प्यार है। मैं अपने प्यार की बेइज्जती नहीं सह सकती विकी, और कुछ भी सह सकती हूँ मैं। मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। डॉली ये क्या कर रही हो? डॉली तुम तो मुझे चाहते नहीं ना, हाँ? फिर तुम मुझे क्यों बचाना चाहते हो? मैं क्या लगती हूँ तुम्हारी? कुछ भी नहीं ना, कुछ भी नहीं। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। डॉली मैंने तुम्हारी नहीं अपनी जान बचाई है। हाँ अपनी। We'll be right back.
अपनी शादी में भी हम लोग ऐसे ही डांस करेंगे। ऐसे कैसे होगा? तू दूल्हे बने घोड़े पर बैठे होगे ना? अरे हाँ, तू तो दुल्हन बनी होगी। हा? क्यों ना आज ही हम लोग अपना शौक पूरा कर ले। नहीं तो ये बारात मेरी इज्जत के जनाजे में बदल जाएगी। रुक जा। लेकिन वो रुक जा। भैया, एक जवान लड़की का इस तरह से सड़कों पे नाचना गाना किसी शरीफ खानदान की लड़की को शोभा नहीं देता, और वो भी एक गैर लड़के के साथ। डॉली हमारी पूरे समाज में नाक कटवा देगी। याद रखना भाई साहब, सड़कों पे आई हुई इज्जत को कोई घर नहीं ले जाता, ठोकर मार देता है। बहुत बुरा हुआ सरकार, ये बहुत बुरा हुआ। अगर अपोजिशन पार्टी वालों को इस बात का पता चल गया तो इतनी आवाजें उठेंगी कि उसमें आपके भाषण की आवाज दबके रह जाएगी। इसलिए कहता हूँ सरकार, डाली को रोकिए, सरकार रोकिए। रुको, इधर आओ। कहाँ से आ रही हो? जी वो कौन है वो लड़का? कौन सा लड़का? अरे मुझसे पॉलिटिक्स? कौन है वो लड़का?
कि उसका नाम विक्की है। विक्की? तुम्हारी करोड़ में कितने विक्की है? एक के साथ झगड़ा करके तुम प्लेट तोड़ती फिरती हो और दूसरे के साथ वो डांस करती फिरती हो, किसका लड़का ये? जी, वो यहाँ की नए इनकम टैक्स कमिश्नर राजकुमार चौहान का बेटा है। नया इनकम टैक्स कमिश्नर? फिर पॉलिटिक्स? आप नहीं सुधरेंगे भैया। डर गई ना। अरे मैं तो मजाक कर रहा था बेटा। मैं अभी गायतोंडे से कह रहा था कि मेरी बेटी जो भी कदम उठाती है बहुत सोच समझ कर उठाती है। नहीं, अभी कहा था आपने। आखिर तुम हो किसकी बेटी? एक समझदार बाप की बेटी हो ना। ओ पापा, आप कितने अच्छे। जाओ बेटा, अब आप अपने कमरे में जाओ। जी जाओ। लेकिन सरकार, ये क्या तुम नहीं समझोगे गायतोंडे, ये पॉलिटिक्स है। मेरी लड़की ने ऐसा सिलेक्शन किया है कि अब मेरा इलेक्शन जीतना आसान हो गया। नए कमिश्नर से रिश्ता जोड़कर सारे ऑपोजिशन पार्टी वालों के घर पे छापे मरवा कर मैं उनको जनता के सामने कर दूं। ग्रेट। इधर हाँ, बोलो। वो नए कमिश्नर को मेरी तरफ से तोहफा भेजो। नमस्कार चौहान साहब। आप कौन हैं? अपने भक्तों से ऐसा सवाल करना आप जैसे भगवान समान व्यक्ति को शोभा नहीं देता। वैसे मेरा नाम है आर.एस. गायतोंडे, राम का सेवक गायतोंडे। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? छी छी छी, हम करेंगे आपकी सेवा, इसलिए तो लाए हैं ये मेवा। चिंता मत कीजिए, अगर कम पड़ जाए तो और भिजवा देंगे। Get out. हमारे सरकार अर्थात श्री धनसुख भाई धर्म सिंह का तोहफा वापस करने की हिम्मत आज तक किसी की नहीं हुई। बकवास सुनने की आदत नहीं है मुझे। सोच लीजिए, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ भाई, लेना देना तो दुनिया का दस्तूर है। वही तो मैं कह रहा था। लेकिन मैं अर्थात राजकुमार चौहान लेना नहीं, सिर्फ देना जानता हूं। क्या बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। लेकिन सरकार, उसने गायतोंडे, ये पॉलिटिक्स है, ये तुम नहीं समझोगे। हम जब होटल में जाते हैं तो हमें मेनू दिया जाता है जिसमें एक तरफ खाने की चीजों के नाम और दूसरी तरफ उसकी कीमत लिखी हुई रहती है। दरअसल कमिश्नर ने तुम्हें थप्पड़ मारकर मुझे अपना मेनू कार्ड भेजा है। वो मुझे बतलाना चाहता है कि उसके खाने की कीमत क्या है। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा, आदमी साला समझदार है। आपकी ये लिस्ट देखकर ऐसा लगता है कि मिस्टर धनसुख भाई धर्म सिंह काफी ईमानदार आदमी है। सर, उसको ईमानदार कहना ईमानदारी को गाली देना है। उसका नाम तो सबसे ऊपर होना चाहिए सर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास उसके खिलाफ ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है जिसकी बुनियाद पर हम उसे अपनी गिरफ्त में ले सके। मैं मिस्टर धर्म सिंह की पिछले 3 साल के रिटर्न्स की फाइल देखना चाहता हूँ। सरकार, बहुत बुरी खबर लाया हूँ। प्रचार में किसी भी किस्म की कमी नहीं रहनी चाहिए। गरीबों की मदद करनी है तो 2 50 पैसे दिखाओ, 50 रुपये। जो भी बोलना है ऊंचे सुर में बोलो। सरकार, जनता को जितने भी वादे करने कर डालो। उसको पूरा करना या न करना वो चुनाव के बाद में देखा जाएगा, समझे? सरकार, मेरी बात तो सुनिए। हाँ भाइयों, क्या कहा आपने? बताइए भाई लोग, क्या फैसला किया आप लोगों ने? फैसला क्या करना धनसुख जी, ये तो चुनाव से अपना नाम वापस लेने के लिए तैयार हैं। ये सिर्फ इतना चाहते हैं कि आज तक इनका जो भी खर्चा हुआ है कम से कम वो इनको वापस मिल जाना चाहिए। कल तक आपको मेरा एक भी बैनर नजर नहीं आएगा। शाम को आइए और पैसे लेके जाइए। थैंक यू। ओके, अच्छा जी, नमस्ते। नमस्ते भैया। सरकार,
सरकार आप मेरी बात भी सुनेंगे? सुना। वो कमिश्नर चौहान ने आपके अकाउंट्स की सारी बुक्स मंगवाई हैं। मैं आपसे पहले ही कहता था कि इस बीमारी का इलाज करो, लेकिन लेकिन आप मेरी सुनते कम है। गायतोंडे, ये जो अभी अभी यहां से गए वो नेता कम और बिजनेसमैन ज्यादा है। ये लोग ठीक चुनाव के वक्त पर आए और अपना नाम वापस लेने की बात करने लगे और मुझे मजबूरन उनको ज्यादा पैसे देने पड़े। अगर यही लोग चुनाव के एक महीने पहले आते तो मैं इनको इतनी कीमत देता ही नहीं। ये कमिश्नर भी ठीक चुनाव के वक्त पर मेरी अकाउंट बुक्स मंगवा कर मेरे दिल में घबराहट पैदा करना चाहता है। अकाउंट्स बुक देखकर वो जानना चाहता है कि मैं कितना बड़ा आदमी हूं। उस हिसाब से वो मुंह खोलेगा। भैया वो बेवकूफ आदमी नहीं है, धंधा खोलकर बैठा है। वो तो हम दोनों आमने सामने बैठेंगे तो कीमत ऊपर नीचे हो जाएगी। ग्रेट है सरकार, आप ग्रेट है, बिल्कुल ग्रेट है। सौदा पक्का हो जाएगा जैसे इन लोगों के साथ हुआ। चिंता की कोई बात नहीं। डैडी मैं कॉलेज जा रही हूँ। बाय बेटे, बाय। और एक मिनट, एक मिनट बेटा, वो कमिश्नर का लड़का वो तुम्हारे साथ पढ़ता है, वो क्या नाम है उसका? जी विकी। विकी, विकी बेटा उसको घर पर बुलाओ, मैं उसको मिलना चाहता हूँ, उसे देखना चाहता हूँ। एक काम करो, उसको कल चाय पे बुला। जी डैडी, जी मैं सभी जाके बताती हूँ। बाय बाय। नहीं 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 सरकार, सरकार ये आप क्या कर रहे हैं? वो चौहान हमारा दुश्मन है और आप उसके बेटे को घर पे बुला रहे हैं, ये क्या? गाय तोंडे, तुम नहीं समझोगे, ये पॉलिटिक्स है। साइए
किसी दिन आऊंगा। साहब यूं समझिए कि आपका काम हो गया। हाँ बिल्कुल। बाद में फोन कीजिए। चौहान साहब नमस्कार। कैसे हैं आप? आइए ना, अंदर आइए ना। यस कहिए, क्या बात है? देखिए धनसुख जी, धर्म सिंह जी इस समय घर पर नहीं है। अगर आपको ये कैंपेनिंग वगैरह की बात करनी है तो बाद में आइए, जाइए प्लीज जाइए। ये मेरे डिपार्टमेंट के आदमी है यादव। यस पेपर्स। हाँ हाँ पढ़ो पढ़ो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सर्वेलेंस विंग, इट्स अ रेड। आप घर के तमाम मेंबर से कहिए कि हॉल में आ जाए। संभाल के, कोई बाहर नहीं जाना चाहिए। बॉयज गो अहेड। आप दोनों इस तरफ आ जाइए। और किसी चीज को हाथ ना लगाइएगा। बैठिए। एक्सक्यूज मी, नो टेलीफोन्स, थैंक यू। जा रहे हैं चौहान साहब, थैंक यू वेरी मच। अच्छा है। धन्यवाद। चुनाव की तैयारी चल रही ना, इसलिए ये सब इस समय भाषण दे रहे हैं सरकार। हमारे देश को बहुत ही खतरनाक बीमारी ने घेर के रखा है और इसी बीमारी की वजह से काला बाजारी का जन्म हुआ है, जिसकी वजह से गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है। हमारे देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका बस चले तो सोने के बर्तन में खाना खाए, चांदी के गिलास में पानी पिए और नोटों के बिस्तर पे सो जाए। ये कमरा मेरा नहीं है। पता नहीं, पता नहीं कहां से आ गया, पता नहीं। धनसुख भाई का, धनसुख भाई का। और उन्हें नोटों के बिस्तर पर सोने की आदत है। सर लीजिए। नो थैंक यू, इस वक्त मैं ड्यूटी पे हूं। इस वक्त मैं भी ड्यूटी पर हूं। घर आए मेहमान की सेवा करना इस घर की सभ्यता और परंपरा रही है और उसे कायम रखने के लिए अपनी ड्यूटी निभा रही हूँ। लीजिए। आप जी? धनसुख जी मेरे पिता है। विश्वास नहीं होता जी। नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। थैंक यू, गॉड ब्लेस। जब तक हमारे अंदर देशभक्ति नहीं आती, देश की उन्नति नहीं हो सकती। असंभव। देश की अमानत को छुपाए रखना बहुत बड़ा जुर्म है। कुत्ते को बाहर निकालो जी। कुत्ते को बाहर निकालो। चौहान साहब क्यों इस बेजुबान को घर से बेघर करते हैं जी। चल चल बेटा तामी, आजा बाहर आजा। इधर। शाबाश। यस सर। कम। सुना था कि धन की रक्षा तो नाग देवता करते हैं, लेकिन धनसुख भाई के काले धन की रक्षा तो काला कुत्ता कर रहा है। यही वजह है कि देश कीड़े मकोड़ों की तरह रेंग रेंग कर जी रहा। जो कहता था वही हुआ, चौहान ने रेड मार दी। क्या? हाँ, ये हिम्मत। देखा भाइयों,
मैं काला बाजारी के खिलाफ हूं तो मेरे ही घर में रेड मार दीजिए, लेकिन कोई बात नहीं, साच को आंच नहीं होती। मेरी राजनीति की गंदी चाल है, मुझे बदनाम करने की कोशिश है ये। मुझे यहां से इस वक्त जाना होगा, मुझे क्षमा कीजिए। जय हिंद। जय हिंद। चलिए। मिस्टर चौहान। हाँ, कैसे हो? फाइन। मुझे नहीं पहचाना? मेरा नाम धनसुख भाई धर्मशी। बैठे बैठे। थैंक यू। अच्छा घर है? गवर्नमेंट का होगा, है ना? ये गवर्नमेंट का मामला भी अजीब है, नहीं? ऑफिसर को इधर से उठाती है इधर पटकती है, इधर से उठाती है उधर पटकती है। अरे भाई, चिड़ियों के भी अपने घर होते हैं, लेकिन सरकारी अफसरों के तो अपने घर ही नहीं होते। मेरा कहा मानो, तुम अपना खुद का एक घर बना लो। मैं भी कैसा उल्लू का पट्टा हूं, घर बोल रहा हूं, बंगला बना लो। जो भी कहना है साफ साफ कहो। वाह, अच्छा लगा। तुम तो यार बड़े समझदार आदमी हो, टू इन वन हो, हीरा भी हो और जौहरी भी, अपनी कीमत खुद जानते हो। और मैं भी कोई छोटा मोटा खरीदार नहीं हूं, हीरा पसंद आ जाए तो मुंह मांगी कीमत में खरीद कर उसको अपनी अंगूठी में लगा लेता हूं, और हीरे की अंगूठी में ऐसे नहीं ऐसे पहनता हूं, और हमेशा के लिए मुट्ठी बंद कर लेता हूं। फिर वो हीरा मेरी मुट्ठी में ही रहता है। तो तुम मुझे खरीदने आया हो? बात यहीं कर ले या कहीं और चलना पड़ेगा? दरअसल बात क्या है कि हमारे देश के अंदर अमीरों के लिए जितना पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, उससे ज्यादा उसको छुपाना मुश्किल है। लेकिन अगर आप लोगों का साथ हो तो चिंता की कोई बात ही नहीं है। तुमको मेरे वहां जितने छापे मारने मारो, दो चार पते ठिकाने मैं तुम्हें दे दूंगा, मगर उसके पहले मुझे थोड़ा इन्फॉर्म किया करो, क्योंकि मैं बहुत इज्जतदार आदमी हूं, जनता का सेवक हूं। तुम जैसा नेता जब अपने आप को जनता का सेवक कहता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई बाजारू औरत अपने आप को सती सावित्री कह रही है। अच्छा लगा। अगर मैं चाहूं ना तो तुम्हें एक ऑफिसर को रिश्वत देने के जुर्म में हवालात की हवा खिलवा सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि तुम एक इतने घटिया आदमी हो कि तुम अपनी गिरफ्तारी को भी वोट की भीख मांगने का हथकंडा बना डालोगे। अरे वाह, ये तो मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि संतरी से लेकर मंत्री तक मुझ जैसे लोगों की बस्ती बसी हुई है, और उस बस्ती में तुम जैसे ईमानदार लोगों के गिने चुने घर है। वहां राज भी हमारा चलता है और रिवाज भी। बस्ती में वही टिकता है जो बिकता है। गेट आउट। समझ गया, लेकिन तुम्हारी नौकरी के बारे में अभी सोचना पड़ेगा। मेरी नौकरी के बारे में नहीं, अपनी कुर्सी के बारे में सोचो जो तुम्हें अभी मिली नहीं, क्योंकि तुम्हारी यह कुंडली मेरे पास है, और अगर यह कुंडली जनता के सामने खुल जाए ना मिस्टर धनसुख भाई व्हाटएवर, तो बैलेट बॉक्स में तुम्हारे नाम का सिर्फ एक वोट होगा, और वो भी शायद तुम्हारा अपना होगा। Come on now, get lost, out. नहीं, आप मुझ पे जुल्म हरगिज नहीं कर सकते डैडी। अगर विकी का नाम भी तुम्हारी जुबान पर जो आया तो क्या कर लेंगे डैडी? जुबान काट लेंगे? काट दीजिए, मगर इतना याद रखिए, विक्की का नाम मेरी जुबान पर ही नहीं, मेरे दिल मेरी आत्मा पर भी छाया हुआ है, उसे आप कभी नहीं मिटा सकते। बेटे, तुम्हारे लिए मैं ऐसा लड़का ढूंढूंगा जो विक्की से भी कहीं ज्यादा स्मार्ट होगा। डैडी, दल बदलने की आदत आपको हो सकती है, लेकिन दिल बदलने की आदत मुझे नहीं है। डॉली। बेटे, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ ना। देखिए डैडी, अगर मेरी शादी विक्की से नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तुम उस लड़के के लिए अपनी जान देने की बात कर रही हो
जिसके बाप ने तुम्हारे पिताजी को जलील करके अपने घर से निकाल दिया। बुआ जी, विकी वही लड़का है जिसकी दोस्ती पर आपने मुझे गर्व करने को कहा था, लेकिन ये तो नहीं कहा था कि उसकी प्यार में अंधी होकर इस खानदान की इज्जत को ठोकर मार दो। खानदान की इज्जत की दुहाई हमेशा औलादों को ही क्यों दी जाती है बुआ जी? हम अगर आवाज उठाते हैं तो हमें जिद्दी और आवारा कहकर हमारी आवाज को दबा दिया जाता है, और आप पॉलिटिक्स के नाम पर दुनिया के लोगों को धोखा देते हैं तो वो जायज है। आप अपनी झूठी शान और शोहरत के लिए नीचता पर उतर आते हैं तो उससे आपके घर की इज्जत को चार चांद लग जाते हैं, है ना डैडी? आप अपनी बेटी से प्यार कम और अपनी कुर्सी से प्यार ज्यादा करते हैं, और एक दिन इसी कुर्सी के लिए आप अपनी बेटी की इज्जत को भी नीलाम करने से पीछे नहीं हटेंगे। अरे विकी, तू क्यों चिंता करता है? अगर डॉली की डैडी ने उसे घर में कैद कर रखा है तो क्या फर्क पड़ता है, उससे मिलने का कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। हाँ अरे यार, तुम लोग यहाँ बैठो, मैं पागलों की तरह कब से तुम लोगों को ढूंढ रहा हूँ। सुन, एक ताजा खबर। ओए, मैं इसे सब बता चुकी हूँ कि इसके डैडी के बीच और डॉली की डैडी के बीच जो लफड़ा हुआ था ना, उसकी वजह से डॉली की डैडी इस पर खुन्नस खाते हैं। ये बात नहीं है। अच्छा, तो तू ये कहना चाहता है कि डॉली की डैडी ने उसे कमरे में बंद कर रखा है ना? ओहो, ये बात भी नहीं है। तू पूरी बात तो सुन, किसी ने उसके बाप को गोली मार दी। क्या? मर गया क्या? नहीं, गोली बाजू से रगड़ के निकल गई, बच गया। बस अब तो मैं डॉली से मिल सकता हूँ। कैसे? कैसे? किसी शायर ने खूब कहा है। क्या? खुदा करे कि हसीनों के माँ बाप मर जाए। वाह, खुदा करे कि हसीनों के माँ बाप मर जाए। That's nice. खुदा करे कि हसीनों के माँ बाप मर जाए, बहाना हो मौत का और हम उनके घर जाए। क्या बात, घर जाए, घर गया, क्या बात। हटिए 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 हटिए, गोली लग गई है। हाँ, आइए आइए सरकार, सरकार आइए, आराम से आइए सरकार। हाँ, ए हटो हटो, हटिए हटिए हटिए, प्लीज हटिए। हाँ, हट जाइए, प्लीज हट जाइए। देखिए अभी फोटो मत लीजिए, फोटो मत लीजिए। हाँ हाँ, चलिए चलिए। धनसुख जी, गोली आप देखिए देखिए, परेशान मत कीजिए। धनसुख जी को इस समय आराम की जरूरत है, आप लोगों की नहीं। आप लोग जाइए, आपकी किसी बात का जवाब नहीं देंगे, जाइए। बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ तो बोलना चाहेंगे आप? भगवान की दुआ से बच गया हूँ। गोली गोली बाजू को चीरती हुई निकल गई, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, घबराइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। आप लोग प्लीज प्लीज जाइए, बाद में आइए प्लीज। नहीं नहीं, आप लोग बैठिए बैठिए बैठिए, सब बैठ। मैं आपके लिए दूध लाती हूँ। ऐसा रख, सब लोग आ गए? वो तो आई गए। पूछिए, आज आप कैंपेनिंग पे निकले और आप पर गोली चलाई गई, ये किसका काम हो सकता है? ये पता लगाना तो पुलिस का काम है, मगर आपको किसी पर तो शक होगा ही। मैं आपका मतलब समझ रहा हूं, लेकिन मैं ऑपोजिशन पार्टी को बदनाम करना नहीं चाहता। लेकिन हमले का कारण तो आपका इलेक्शन लड़ना ही है। मुझे मारने वाले अच्छी तरह जानते हैं कि वो मुझसे बैलेट में नहीं जीत सकते, इसलिए उन्होंने बुलेट का इस्तेमाल किया है। ये लड़ाई बंद होनी चाहिए, वरना ये प्रजातंत्र खतरे में पड़ जाएगा। हेलो अंकल, नई जिंदगी बहुत बहुत मुबारक हो। जैसे मैंने न्यूज सुना, मैं भागा दौड़ा चला आया। वैसे मैं डॉली से मिलकर आता हूं, बेचारी आज यतीम होते होते बच गई। गायतोंडे जी सरकार, बेचारा इतनी दूर से मेरा हाल पूछने आया है, इसके नाश्ते पानी का बराबर इंतजाम करो जी। हुँ? इसके खातिर में कोई कसर मत छोड़ना सरकार। ये उसी कमिश्नर का लड़का है ना जिसने? हाँ भैया, लेकिन कमिश्नर की रेड से मेरा क्या ताल्लुक? देखिए, उन्होंने तो अपना फर्ज निभाया, मैं खुद गया था उनके घर पर मुबारकबाद देने के लिए कि जब तक आपके जैसे ईमानदार लोग इस देश में है तब तक सब कुछ अच्छा है। उनका लड़का यहाँ पे अक्सर आता है, मेरी बेटी के साथ ही पढ़ता है। हेलो डाली पिटिया को ढूंढ रहे हो ना? हाँ, डाली पिटिया को? हाँ, उधर नहीं है, इधर है। आपकी जीत तो निश्चित है, क्या आप मिनिस्टर बनना पसंद करेंगे? अरे भैया, मैं तो एमएलए भी नहीं बनना चाहता था, और आप तो? तू घुसा कैसे? तेरी हिम्मत कैसी हुई इस घर में घुसने की? अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? खास मेहमान है, अरे खातिर करो,
ए प्यारे, चल चल चल। आवाज कैसी? मेरी बेटी और वो कमिश्नर का लड़का मारधाड़ से भरपूर कोई फिल्म देख रहे हैं, उसकी आवाज रही है। बहुत हो गया भैया, आपको आराम की जरूरत है, आप आराम कीजिए। आप लोग प्लीज फिर आके सवालात कीजिए प्लीज। अच्छा, नाश्ता बराबर किया ना साले ने? ला, क्या बोल रहा था तू? मेरी बेटी यतीम होते होते बच गई तेरी तो। ये रोशनी कैसी? प्रेस वाले हैं, मैं लाया हूं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि आप सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। मारिए मारिए ना, बात करते हैं। अरे भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं? जख्म ताजा है। पॉलिटिक्स है। सरकार से पॉलिटिक्स? अब ये कभी इधर नजर भी आया तो मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगा। बात बड़ी पते की कही है गायतोंडे। क्या बात कर रहे हैं सरकार? वो यहां दादागिरी करके चला गया और आप उसकी तारीफ कर रहे हैं? अरे मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। तो क्या? प्रेस रिपोर्टर की बात कर रहा हूं। ये चीफ मिनिस्टर वाली बात बड़ी पते की कही है उसने। लेकिन सरकार, तुम यही कहना चाहते हो ना कि मैं मिनिस्टर कैसे बनूंगा? हाँ। वैसे भी अपनी पार्टी सत्ता पर आ जाएगी तो मनोज चीफ मिनिस्टर बनेंगे, बराबर। हाँ। उससे पहले मैं मनोज से रिश्तेदारी कर लूंगा। लेकिन सरकार, मनोज की तो कोई बेटी है नहीं, आप शादी किससे करेंगे? मैं अपनी नहीं, अपनी बेटी डॉली की बात कर रहा हूं। क्या बात कर रहे हैं सरकार? आप उस बुड्ढे से डाली पिटाई की शादी करेंगे? कभी अकल से काम लिया करो। क्यों, क्या हुआ? उसका भतीजा अमेरिका से पढ़ाई डॉली के लिए इससे अच्छा लड़का कहीं नहीं मिलेगा। तुम देखोगी तो तुम भी यही कहोगी। और मनोहर जी भी इस रिश्ते से बहुत खुश है। मैंने तो उनसे कह दिया है कि
जितनी हो सके उतनी जल्दी डॉली और मोंटी की शादी कर डालिए। ये आपने बहुत अच्छा किया भैया, ये शादी जल्द से जल्द हो जानी चाहिए। हाँ, इलेक्शन से निपट लो, बाद में शादी कर देंगे। ओहो भैया, फिर पॉलिटिक्स। तो समझ गए ना, मेरा आइडिया कभी फेल नहीं होता है। मगर इतना बड़ा हंगामा एक बार फिर सोच ले। हाँ, दादी। किस बात का हंगामा हो रहा है? कहीं तुम लोग गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो? दादी, क्या है, कल मेरा बर्थडे है ना, इसलिए हम जोरदार हंगामा करेंगे। और बर्थडे कोई रोज रोज थोड़ी आता है, क्यों दादी माँ? अच्छा बेटे, तुम लोग जो भी करोगे अच्छा ही करोगे। लो चाय लो। चाय की तो बहुत जरूरत थी, इतनी देर से प्रोग्राम बनाते बनाते मेरा तो दिमाग ही खाली हो गया था। लो बेटे। वाह, डॉली घर के बाहर पैर नहीं रखेगी, वो वोट देने बिल्कुल नहीं जाएगी। मैं जाऊंगी पापा। मैंने कह दिया तुम घर के बाहर कदम नहीं रखोगी। ठीक है पापा, अगर आप कहते हैं तो। लेकिन पापा, बहुत से नेता एक वोट से भी हार जाते हैं, और मैं नहीं चाहती कि आपके साथ ऐसा हो, क्योंकि आप जैसे नेता की इस देश को बहुत जरूरत है। पापा, अगर आप हार गए ना तो पूरे समाज में आपका मुंह काला हो जाएगा, आपकी इंसल्ट हो जाएगी, कोई अभी शक्ल नहीं दिखेगा। और फिर पापा, आप ही तो कहते हैं ना, आदमी कुएं में गिर जाए परवाह नहीं, मगर चुनाव में नहीं गिरना चाहिए। नहीं, इसलिए इस वक्त आपको एक एक वोट की बहुत जरूरत है। देखा गाय तोंडे, मैं कहता था ना मेरी बेटी कितनी समझदार है। नहीं कहा था, कहा था। जाओ बेटे, जाओ, तैयार हो जाओ, जाओ। थैंक यू पापा, मैं जाती हूँ। लेकिन भैया, तुम नहीं समझोगी, ये पॉलिटिक्स है। बेवकूफ कहेंगे। गाय तोंडे जी सरकार, मेरी बेटी जरूरत से ज्यादा समझदार हो गई है, उस पर कड़ी नजर रखना। आ गए। ओ बेटा, डाली बिटिया, वो रहा बूथ और ये रहा मैं जी। अब जल्दी से अपना कीमती वोट देकर वापस आ जाओ जी। जाओ और वोट अपने बाप को देना बेटा जी। जानती हो ना निशानी क्या है? ये अंगूठी। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। माफ करना बेटी। स्टूपिड, आप ठीक तरह से नहीं खड़ी रह सकती क्या? नहीं क्या चिल्लाते यार? आप वोट देने जा रही हैं? Shut up! क्या मैं आपको 19 साल की लगती हूँ? मैं तो सिर्फ 16 हूँ। सॉरी सॉरी, I am very very sorry। कौन कौन गधा कहता है कि आप 19 की हैं? अभी अभी तो आप बस अभी तो आप कह रहे थे, चलिए छोड़िए। By the way, मैंने आपको कहीं देखा है? मुझे जी 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 जरूर देखा होगा, जरूर देखा होगा। आपने मुझे अखबारों में देखा होगा। धनसुख अक्सर मेरे साथ खड़ा रहता है। आप उन्हें जानते हैं जी? वो मुझे बहुत मानता है। मेरी वजह से वो इलेक्शन लड़ रहा है, और मेरी वजह से वो इलेक्शन जीतेगा भी। Really? आप मुझे उनसे मिलवाएंगे? वैसे उससे मिलना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आपके लिए आसान कर दूंगा। वेरी वेरी इजी। आप कितने क्यूट हैं। वैसे आज शाम को आप क्या कर रही हैं? कहाँ मिलूं मैं? एक्सक्यूज मी, मेरी सहेली आ रही है, मैं जा रही हूँ। नो नो, मत जाइए, फिर हम कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? नो नो, प्लीज देखिए, ऐसा कीजिए, योर नेम, ये रख लीजिए, इसमें मेरा नाम, अता पता, दुकान मगर सब लिखा हुआ है। आप कितने प्यारे हैं। थैंक यू। नो नो नो, मत जाइए मत जाइए, प्लीज प्लीज। Hi beautiful। पड़ेगा ना तो जूते पड़ेंगे। जल्दी जल्दी।
अंकल, मैं डॉली को आपकी पॉलिटिक्स की दुनिया से दूर लेके जा रहा हूँ। गुड बाय विकी। गायतोंडे, कमिश्नर सक्सेना को फोन लगाओ। मेरी इज्जत पर कीचड़ उछालने का मतलब है अपनी मौत को दावत देना। राजकुमार चौहान, तेरे बेटे ने बहुत बड़ी भूल की है। यह सौदा तुम बाप बेटे दोनों को बहुत महंगा पड़ेगा। और तुम डोली की सहेलियों को फोन करके पूछो कि वो कहां जा सकती है। जाओ जल्दी। हेलो पुलिस हेडक्वार्टर जी, मैं गायतोंडे बोल रहा हूँ, धनसुख जी का पीए जी, कमिश्नर साहब से बात करना है जी। जी हेलो कमिश्नर साहब जी, मैं गायतोंडे बोल रहा हूँ, हमारी डाली बिटिया वो। हेलो कमिश्नर साहब, मैं धनसुख भाई धर्मशी बात कर रहा हूँ। नमस्ते जी, कहिए क्या बात है। ये क्या है भाई, ये क्या हो रहा है आपके राज के अंदर? ऑपोजिशन वालों ने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया है। क्या, आपकी बेटी को ऑपोजिशन वालों ने किडनैप कर लिया? कमिश्नर साहब, मैं तो बहुत चाहता हूँ कि ऑपोजिशन पार्टी वालों के नाम भी मेरी जुबान पर ना आए, मगर मैं क्या करूँ। पहले भी इन लोगों ने मुझे बदनाम करने के लिए मेरे घर पे इनकम टैक्स का रेड पड़वाया, मैं कुछ नहीं बोला, मैं चुप रहा, चलो भाई जाने दो। बाद में मुझे जान से मारने के लिए मुझ पर गोलियां बरसाई गई, मैं तब भी चुप रहा हूँ। लेकिन अब मैं चुप नहीं बैठूंगा, यह मेरी बेटी का मामला है। क्या यही सजा है समाज सेवा करने की? अगर ऐसा ही होता रहा तो मुझ जैसा एक शरीफ आदमी तो चुनाव में खड़ा हो ही नहीं सकता। तब आप ही बताइए मैं क्या करूं, आप ही बताइए। आप फिक्र मत कीजिए, जिन जिन लोगों पर आपको शक है उनके नाम हमें दे दीजिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपकी बेटी आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको उन लोगों के नाम भिजवा देता हूं। हां ओके रख रख। सुनो। यस सर। मिस्टर धनसुख के पीए से उन तमाम वर्कर्स की लिस्ट ले लो जिन पर उन्हें शक है और फौरन सबको गिरफ्तार कर लो। गायतोंडे, अब जिन जिन चुनाव क्षेत्रों के अंदर हमारी पोजीशन कमजोर है वहां के ऑपोजिशन पार्टी के वर्कर्स के नाम पुलिस को भिजवा दो। उन सालों को सबको गिरफ्तार करवा दो, सबकी कमर टूट जाएगी, लोग उनके मुंह पर थूकेंगे और मैं आसानी से जीत जाऊंगा। लेकिन सरकार, चुनाव जीतने से ज्यादा जरूरी है डॉली बिटिया। अरे डॉली बिटिया तो आज नहीं तो 5 दिन बाद मिल जाएगी, लेकिन अगर ये कुर्सी चली गई तो 5 साल तक नहीं मिलेगी। तुम उसकी फिक्र मत करो, वो मेरी बेटी है और तुमको जाकर डॉली को ढूंढना भी है। जाओ। ठीक है। इसे कहते हैं पॉलिटिक्स। विकी भाभी नहीं है तो फिर कहां गया होगा? अरे घर में सारे मेहमान आ चुके हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। क्या हुआ बेटे, कुछ पता चला? नहीं मां। ये अचानक कहां चला गया? मालूम नहीं, कुछ बोलकर तो गया होता। कुछ नहीं बोला मां, कुछ। वाह राजकुमार चौहान वाह, बाप की दुश्मनी का बदला बेटी से लिया तुमने, क्या शराफत है, वाह। ये क्या बकवास कर रहे हो? अच्छा तो मैं बकवास कर रहा हूं, अभी पता चल जाएगा। दादी माँ, तुम्हारा वो लाडला कहाँ है? हम तो उसी को ढूंढ रहे हैं बेटे। अच्छी पॉलिटिक्स है ये, बगल में लड़का छुपा कर रखा है और सारे शहर में ढिंडोरा पीटा जा रहा है। कहना क्या चाहते हो तुम? ज्यादा बनो मत, पहले अपने बच्चलन आवारा लड़के को पढ़ाकर मेरी भोली भाली मासूम लड़की से मोहब्बत करवा दी और फिर दोनों को भगा दिया। अच्छा मिस्टर धनसुख, तुम ये चुनाव जीत रहे हो, अब ये गंदी राजनीति की दुकान बंद करो। मुझे और मेरे बेटे को बदनाम करके तुम्हें क्या हासिल होगा? सारा शहर जानता है कि तुम्हारी बेटी को ऑपोजिशन वाले उठाकर ले गए हैं। मैं भी तो यही समझता था और मुफ्त में उनको बदनाम करवा दिया, लेकिन जब मैंने ये पढ़ा तब मुझे पता चला कि ये सारी करतूत तुम्हारे लाडले की है। जरा पढ़ो इसे, पढ़ो। आ गया यकीन? हो गई तसल्ली भाइयों? आप में से कितने ऐसे आदमी होंगे जो जवान बेटियों के बाप हों? आप ही मुझे बताइए, क्या कोई भी आदमी इसी तरह भरी महफिल में आकर अपनी जवान बेटी की इज्जत उछालेगा? आप ही बताइए, उछालेगा? इन्होंने तो अपने बेटे के जरिए जो कुछ करना था वो कर चुके और अब अपने आप को शरीफ और इज्जतदार बताने के लिए मदारी की तरह बर्थडे का खेल रचाकर बैठ गए। शट अप, शट अप। लो, इस पर शट अप भी बोलते हैं। इसको कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। लेकिन मैं कोतवाल नहीं हूं, धनसुख भाई धर्मशी हूं। तुम तो सिर्फ सरकारी फाइलें इधर उधर करने वाले मामूली ऑफिसर हो,
लेकिन मैं तो पूरी की पूरी सरकार इधर से उधर कर देता हूं। अगर 12 घंटे के अंदर अंदर मेरी बेटी वापस नहीं लौटी ना, तो तुम्हारी ये अकड़, ये ईमानदारी, ये उसूल सब खाक में मिलाकर रख दूंगा। तुमने तो मेरे घर सिर्फ इनकम टैक्स की रेड मारी है ना मिस्टर राजकुमार चौहान, मैं तो तुम्हारी इज्जत की रेड मारकर रख दूंगा।
गुड मॉर्निंग डॉली, मैं खाने का सामान लेकर आ रहा हूँ, तुम तैयार रहना। आई लव यू। Lovely. कौन है तुम? अमेरिका में बहुत लड़की खा, दिल को चैन आया, यहाँ आया, तुम्हें पाया, मजा आया। Lovely. कौन है तुम? Lovely. Come on, baby. No. Come on. No, please. Come on. Lovely. 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 No. Lovely. Lovely. No. Lovely, 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 Lovely. राज जी, चल बेटे खाना खा ले। तू तो जानती है माँ कि विक्की के बगैर मैं कभी खाना नहीं खाता। जानती हूँ बेटे, जानती हूँ। दो दिन से तूने कुछ नहीं खाया, कुछ तो खा ले बेटे, खा ले। दो दिन से तो तूने भी कुछ नहीं खाया माँ। विक्की हमारे हाथ से निकल गया माँ, हमारी सारी उम्मीदें सारे अरमानों पर पानी फेर दिया उसने, हमें कहीं का नहीं रखा। काश काश मैं बे औलाद होता। ऐसा नहीं बोलते बेटा,
नहीं बोलते। ऐसा क्यों नहीं बोलूं माँ, ऐसा क्यों नहीं बोलूं? उसकी परवरिश, उसकी देखभाल में कौन सी ऐसी कमी रह गई जिसके लिए मुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं माँ? बच्चों से गलतियां हो जाती है बेटे, उन गलतियों को भूल जाना ही अच्छा होता है। तू गलतियों को भूलने की बात करती है माँ, मैं विक्की को भूल जाना चाहता। उस जन्मदिन के बाद वो मर गया हमारे लिए। राज, मर गया माँ। क्या पागल हो जैसी बात करता है, औलाद की गलती खून के रिश्ते को नहीं तोड़ सकती बेटे, नहीं तोड़ सकती। लेकिन अगर वही गलती माँ बाप को तोड़ दे तो? मैं टूट गया मां, हार गया, हार गया मैं। धनसुख भाई, 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 कैसा लग रहा सरकार? धनसुख भाई, धनसुख भाई। जानते हो कल रात मैंने एक अजीब सा सपना देखा। अच्छा, क्या देखा? यही कि मुझे डायरी की बहुत याद आई और मैं तुम्हें इस बड़े जंगल में अकेला छोड़कर घर चली गई। ओहो, तो तुम्हें सपने में भी मुझ पर तरस नहीं आया? अरे बिल्कुल नहीं, मुझे घर जाने की इतनी जल्दी थी कि तरस खाने का मौका ही नहीं मिला। Really? Yes. उसके बाद सपना काफी देर तक चलता रहा। उसके बाद मैं क्या देखती हूँ कि मैं घर पहुँच गई, डायरी ने मुझे गले से लगा लिया। कहने लगे, बेटी अच्छा किया, बहुत अच्छा किया जो उस इडियट को छोड़कर तुम यहाँ चली आई। बस यही तो एक छोटी सी बात मुझे डैडी की अच्छी नहीं लगी। उसके बाद जो मैंने डैडी से झगड़ा किया, विकी, हे, विकी, 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 मुझे छोड़ने क्यों कहा था तुम? सपने वाली बात तो मजाक थी ना, छोड़कर क्यों गए विक्की? I'm sorry, डॉली। विक्की, मैं इस जंगल से नहीं डरती, जंगली जानवरों से भी नहीं डरती, डरती तो सिर्फ तुम्हारी जुदाई से। प्लीज मुझसे आइंदा ऐसा मत करना। Don't do it again. Okay, okay. I'm sorry, डॉली। I'm really sorry. I'm really sorry. गायतोंडे, डॉली को गाड़ी में बिठाओ और इस कमीने की उस वक्त तक पिटाई करते रहो जब तक इसका दम नहीं निकल जाता। भले मुझे 20 साल की कैद हो जाए लेकिन इसको तो मैं दुनिया से आजाद करा कर ही रहूंगा। जाओ। हाँ। जाओ। आ जा रहा हूं। पास बताओ। पास बताओ। तेरी तो। बैठो, बैठो। नहीं बेटी, नहीं, 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 नहीं। डॉली बेटा, ये क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो डॉली? अपने कुत्तों को रोक लिया डैडी। वहां जितना जुल्म विक्की पर होगा उतना जुल्म मैं अपने आप पर करूंगी। वहां विक्की का खून बहेगा, उधर मेरी जान निकलेगी। समझे? नहीं नहीं, अरे मना कीजिए, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो उसे, छोड़ दो।
तुम लोग अच्छी तरह जान लो, अगर इस घर में डोली पे किसी ने रहम खाने की कोशिश की तो उसके लिए मुझसे बड़ा बेरहम आदमी कोई नहीं होगा। वो जिए या मरे उसके लिए यही सजा है। डॉली कहाँ है? मैंने तो समझा था कि इतनी मार खाने के बाद तू डॉली का नाम अता पता सब कुछ भूल गया होगा। इस भूल में मत रहना धनसुख, कि तेरा जुल्म मुझे डॉली को भूलने पर मजबूर कर देगा। कमीने, मुंह पे मूछे भी नहीं फूटी है और मेरे सामने आंख में आंख डालकर नाम लेता है मेरा। अगर तूने मुझे अपना दामाद कबूल नहीं किया तो मैं तेरी जान भी ले लूंगा। क्या बोला भाई? इस वक्त मेरे दिल में तेरे मालिक के लिए डर नहीं तो तू क्या चीज है? मैंने बहुत बड़ी गलती की कि तेरी बोटी बोटी नहीं की, जबकि वहां पर मैं तेरा कीमा बनाने की नियत से ही आया था। कसाई की बात छोड़ और सगाई की बात कर धनसुख। डॉली क्या तेरे बाप की है? डॉली तो इस वक्त अपने बाप की भी नहीं है, और आज मैं ऐलान करता हूं कि डॉली मेरी थी, मेरी है और मेरी रहेगी। डॉली, डॉली, मेरे मुंह क्या देख रहे हो? पकड़ो इस सपोले को और सर कुचल डालो साले का। ऐलान ये करते हैं हम आप पे मरते हैं, ऐलान ये करते हैं हम आप पे मरते हैं, क्या रोकेगी ये दुनिया
चोरी चोरी न आह भरेंगे, ऐलान ये करते हैं हम आप पे मरते हैं, क्या रोकेगी ये दुनिया तेरी मेरी मोहब्बत को, क्या रोकेगी ये दुनिया तेरी मेरी मोहब्बत को। अपने खानदान की शराफत और मान मर्यादा को सड़क पर ले आया तू, सड़क पर। वो दो कौड़ी का घटिया आदमी मेरे ही घर में मेरे मेहमानों के सामने मुझे जलील करके चला गया सिर्फ तेरी वजह से। अरे तेरी इस बेहुदा हरकत के बारे में क्या सोचा होगा लोगों ने जानता है? यही कि तेरे खानदान में खोट है, फर्क है तेरे खून में। वाह बेटे वाह वाह, इसी दिन के लिए इसे पाल पोस के बड़ा किया था क्या? कि अपनी इज्जत की खातिर सर कटा देने वाले चौहान खानदान का बेटा अपने और अपने बाप की नाक कटवा दे। अरे बेटे तो अपने बाप को मरने के बाद जलाते हैं, तूने तो मुझे जीते जी जला दिया, जिंदा जला दिया तूने। मत छुओ मुझे, मां इसे कह दो कि यहां से चला जाए। मेरी बात तो सुनिए डैड, मैं डॉली से प्यार करता हूं। बचपना है ये, बकवास है ये सब। डॉली ने अपने सीने पर मेरा नाम लिख लिया, क्या ये बकवास है? मेरे लिए अपने घर की इज्जत को ठोकर मारकर चली आई, क्या ये बकवास है? मेरी जान बचाने के लिए वो लहू लुहान हो गई, क्या ये भी बकवास है? हाँ डैड, ये सब सच है। डॉली के बाप ने मेरा प्यार इसलिए छीना चाहा क्योंकि मैं आपका बेटा हूं, एक ईमानदार ऑफिसर का बेटा। उनकी नजर में प्यार करना जुर्म हो सकता है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या प्यार करना जुर्म है? और अगर है तो मैं उसकी सजा पाने के लिए तैयार हूं। ये लीजिए डैड, और उस खून को बहा दीजिए जिस पर सारी दुनिया शक करती है। मार डालिए मुझे ताकि खानदान का नाम रोशन हो जाए। हां डैड, मैं डॉली के बगैर जी नहीं सकता, और आपके बगैर रह नहीं सकता। आपके हाथ में है, क्योंकि मैं इस घर की खुशियों के लिए कुछ भी कर सकता हूं। बस बेटे बस, मैं जिंदा हूं, मरी नहीं। फैसला मैं करूंगी। बोल, क्या बोलता है? बस यही मां, कि मेरा बेटा जवान हो गया और मुझे पता ही नहीं चला। मां, इस घर की खुशियों के लिए जरूरी है कि इसकी शादी करवा दे। मैं आज ही धनसुख भाई से बात करता हूं। डैड, डैड, आई लव यू डैड, आई लव यू। जरा ठहर बेटे, मैं अभी आती हूं। बेटा, मैं इस घर में बहू बनकर आई थी, तब यह हार मुझे पहनाया गया था। मैंने अपने बहू को पहना दिया, अब यह हार तू अपनी होने वाली बहू को पहना देना। ठीक है माँ, लेट्स गो। अरे गायतोंडे, ये कौन है? अरे सरकार, आप इनको नहीं जानते? नहीं। ये हैं राजकुमार चौहान। राजकुमार चौहान? हाँ, अरे वो इनकम टैक्स कमिश्नर। याद आया, इनकम टैक्स। ये वही है ना जिन्होंने मैं सरकारी घर से गेट आउट कर दिया था?
जी हाँ, और हमारी तुलना बाजारों औरतों के साथ की थी। जी, बराबर वही। हाँ, माफ करना भाई साहब, मैं आपकी शक्ल भूल गया था, लेकिन आपकी कही हुई बातें नहीं बुलाऊ। बड़े अच्छे मौके पर आए आप, आइए बैठिए बैठिए। मैं आपका सस्पेंशन ऑर्डर भेजने ही वाला था, लेकिन आप आ ही गए तो खुद लेकर जाइए। ये ऑफिशियल बातें अगर ऑफिस में ही हो तो अच्छा रहेगा। इस वक्त मैं इनकम टैक्स कमिश्नर राजकुमार चौहान नहीं, एक लड़के का बाप हूं। और अगर इस वक्त आप भी मिनिस्टर धर्मसुख भाई धर्म सिंह नहीं, बल्कि अपने आप को एक लड़की का पिता समझे तो बेहतर होगा। चलो, समझ लिया, दिल रख लिया तुम्हारा। बोलो। मैं रिश्ता लेकर आया हूं। वेरी गुड, यानी कि ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहते हो। नेचुरली करना ही पड़ेगा, उसके बगैर इलाज ही नहीं है, है? अपनी कुतिया साथ में नहीं लाए? कुतिया? हाँ भाई, कुतिया। मेरे कुत्ते को भी तो तुम्हारी कुतिया पसंद आनी चाहिए ना, तभी तो रिश्ता तय होगा। नहीं नहीं बेटा, नहीं। बैठो बैठो, कोई बात नहीं। आज मैं आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं एक नहायत ही घटिया और कमीने किस्म के इंसान से रिश्ते की बात करने आया हूं। तुम अपने लाडले के लिए मेरी बेटी का हाथ मांगने आए हो? जी हाँ। ये लीजिए, बाबू भी आ गए, आओ बेटे। धनसुख भाई, ये हमारा खानदानी हार है जो बहू के गले में पहनाया जाता है। दिखाओ तो। वजन में हल्का है जी, इससे भारी चेन तो मेरे कुत्ते के गले में है। गुड गुड सन, बहू को पहना दो। आ जाओ बेटा। क्या है ये? आप नहीं समझेंगे दादी, ये पॉलिटिक्स नहीं, प्यार है। नहीं नहीं बेटी, नहीं। मैं जब पहली बार तुम्हारे घर आया था तो तुमने कहा था कि तुम धनसुख जी की बेटी हो। मैंने कहा था कि मुझे विश्वास नहीं होता, तब तुम मेरा मतलब नहीं समझी थी। दरअसल तुम मुझे इस कीचड़ में कमल के फूल की तरह लगी थी। ए, मुझे नाज है तुम्हारी पसंद पे। भगवान तुम दोनों को सुखी रखे। जा बेटी जा। मैं शादी की तारीख का इंतजार करूंगा, समझी जी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, सरकारी काम सरकारी तौर पर किया जाए तो अच्छा होता है। मेरा सस्पेंशन ऑर्डर मेरे दफ्तर भिजवा दीजिएगा। आई बी वेटिंग। हाँ बेटे। Lovely, lovely, beautiful bungalow. Highest man color, technicolor. Where is Dhansukh bhai? अरे आओ आओ बेटे, आओ, welcome, welcome, welcome. ये मनोहर जी का भतीजा, जिसके साथ मैंने डॉली का रिश्ता तय किया। ये मेरी सिस्टर। Oh, lovely, lovely. How do you do? नमस्ते. नमस्ते। इंडियन कल्चर अंकल, इंडियन कल्चर देखकर मुझे बहुत पसंद आता है। बस बस, रहने दो। हाँ बेटे, क्या खाओगे पियोगे? गाय तोड़े, इनके खाने पीने का बंदोबस्त करो। ये खाता क्या है? हाँ बेटे, क्या खाओगे? ये जूते खाएगा। Get out from here! डॉली, तुम हद से बाहर जा रही हो। पागल हो गई क्या? तेरी शादी होने वाली है इससे। क्या शादी? और इस हैवान से? बुआ जी, ये वही लड़का है जिसने मेरी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की थी। What is that? What is that? मेरे को समझा नहीं। समझोगे भी नहीं।
क्योंकि ये बातें इंसानों के समझने की हैं, जानवरों के नहीं। जस्ट शट अप, ऊपर जाओ वरना जबान खींच लूंगा तुम्हारी, जाओ। डोंट वरी फादर इन लॉ, डोंट वरी, सब चलता है। लवली लवली फादर इन लॉ, अब शादी करेगा ना तो इससे ही करेगा। लवली, तू मुझसे शादी करेगा? हाँ, हाँ। ये देख। वाओ, टैटू। ये देख क्या लिखा है मेरे सीने पे। अंकल लवली, बट ओनली वन। लगता है तुमने जिंदगी में सिर्फ एक के साथ डेटिंग की है, आई मीन रोमांस किया है। यू पुअर गर्ल, मैंने अमेरिका में बहुत सारे रोमांस किए हैं, देखेगी? टैटू 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 लवली टैटू टैटू। जितनी लड़की उतना नाम, सिर्फ तुम्हारा इसमें नाम बाकी है, लिख दो तुम्हारा नाम डाली। भाई साहब, ये दामाद चुना है अपनी बेटी के लिए, इस बेहुदा बच्चलन को धक्के देकर बाहर निकाल दीजिए। ए, तुम चुप रहो बुढ़िया। ए, she is my sister, behave yourself। इसको तो टामी बोलना भी टामी की बेइज्जती करना। क्यों चला बच्चलन करा? छोड़ छोड़। बेटे तुम इसको यहाँ से चले जाओ, भाई साहब इसको लेके जाओ यहाँ से। लवली अंकल लवली, चलो छोड़। लवली अंकल धनसुख, लवली। राम, कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा, नहीं तो हम इसको शूट करेगा। ए बीमा जी, बंद कर दो इन सब को, हम दोनों को शादी मनाएगा। चलो ऊपर। लवली तुमने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। आत्महत्या? यू मीन सुसाइड? हेलो, यस, क्योंकि मैं विकी की थी, विकी की हूं और विकी की ही रहूंगी। ओके फाइन, लेकिन तुम विकी को मुंह दिखाने लायक रहोगी तब ना? नो, यस, नो, यस। It is not lovely. Yeah.
हम जब भी डॉली के पास जाता है ये बीच में आ जाता है। अब बीच में नहीं आएगा। लवली, अब बोल, तुम हमसे शादी करेगा नहीं तो हम तुम्हारे विक्की की खोपड़ी उड़ा देगा। ओम शांति ओम। वेलकम पंडित जी, वेलकम। ओह नो, इंडियन कल्चर। उठो उठो वरना दुनिया से उठ जाओगे। ये सब क्या है बच्चा? कुछ नहीं पंडित जी, ये हमसे शादी करने के लिए इनकार करती थी। हमने बोला हमसे शादी करो, नहीं करती। तुम हमारा शादी करवा दो। अच्छा शिष्य, तुम शादी की तैयारी करो। मैं इसे शादी हरगिज नहीं करूंगी। बालिके, ये घड़ी बहुत शुभ है और ऐसी शुभ घड़ी में तुम्हें जिद नहीं करना चाहिए। यस। तुम्हें इससे अच्छा चचोरा पति कहाँ मिलेगा? चलो ओम शांति शांति ओम। रद्दम बंद हो गई, रद्दम बंद हो गई। बांधो बांधो लवली पंडित जी, लवली। इंडियन कल्चर, वेरी गुड कल्चर। जब मैं सुहाग कहूं इसे आग में डाल दो, ठीक है? अपने वालों अपनी अपनी नाक संभालो। स्वाहा। पंडित जी ये क्या हो रहा है? I'll kill you पंडित जी, I'll kill you। It is not lovely। पंडित जी ने क्या किया? अरे सेवा का है आगे काम। Ready! Up! Attack! मिस्टर भागवत, यस सर, इन सब को अरेस्ट कर लो। ओके। और धनसुख भाई के पास लेकर आओ। ओके सर, चलो। देखे कई चेहरे